यूपी के संभल में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस पर पार्टी बनकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ के बस्ते छीने जा रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, पुलिस लोगों को डरा रही है। सपा का आरोप है संभल में मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोक रही है पुलिस। सपा का आरोप है कि संभल में बूथ संख्या 11 पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं का पहचान पत्र छीन कर वोट डालने से रोक रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है। सपा ने आरोप लगाया कि संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदर की, बिलारी, चंदौसी, संभल एवं असमोली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटर पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर पुलिस लाठीचार्ज करने और वोटर्स के साथ मारपीट करने और चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगा रही है। विधानसभा असमोली ग्राम ओबारी में बूथ संख्या 181, 182, 183, 184 का है, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके पोलिंग स्टेशन से वोटर्स को खदेड़ा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।